हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राज राउत लेकर आया एक नई वीडियो जो सनातन पर आधारित है। और इस ब्लॉग में मैंने भोले शंकर के पूरे परिवार के दर्शन कराए हैं, तो और आप कीजिए भोलेनाथ के परिवार के दर्शन और बताइए कैसा लगा। आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। ये बैजनाथ झील का सुंदर नज़ारा और इसी के तट पर बसा है बैजनाथ भोलेनाथ का मंदिर, जो अपने आप में एक अलौकिक और अद्भुत है। ये अद्भुत नज़ारा देखिए आप, और प्रकृति का ये अद्भुत नजारा। हम जा रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे मंदिर की ओर, और मंदिर तक पहुँचते पहुँचते हैं हम आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो अद्भुत और अविश्वसनीय होंगी, तो आप देखिए और बने रहिए। ये स्मृति स्मारक स्थल 1958 के 24 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है। मंदिर का मुख्य द्वार यानी गेट, अद्भुत नजारा बैजनाथ मंदिर, अद्भुत नजारा। गणेश जी का ये प्राचीन मंदिर और हम गेट से प्रवेश किए। गणेश जी का प्राचीन मंदिर,
जी की मूर्ति। स्तंभ शिलाई मंदिर प्राचीन इस पर लिखा हुआ माता भारती जी की शिला। अद्भुत ललाट पंडित जी सर्वप्रथम प्रणाम आपको भी और माता जी को भी। और पंडित जी आपका नाम क्या है, आप कब से हैं और इस मंदिर के महिमा के बारे में कुछ हमें भी बताएं। मेरा नाम है प्रकाश गोस्वामी जी। इधर शंकर भगवान जब शादी करके कैलाश को जा रहे थे जी, तो एक रात यहाँ विश्राम किया होंगे जी। शंकर जी पार्वती जी 1100 साल पुराना मंदिर है जी। शंकर भगवान का इसका नाम है कार्तिकीपुर बैजनाथ। कार्तिकीपुर बैजनाथ जी, एक रात का बना हुआ मंदिर है। एक रात में बना है। और ये मैं देख रहा हूँ मंदिर मतलब तिरछे भी हैं। जमीन बैठ गई सर। अच्छा, या लोग बोलते हैं कि पहले से ही ऐसा? पहले से नहीं, बाद में। ये बाद में हुआ, जमीन बैठ गई इसलिए जो है लटक गए मंदिर है। और ये 1100 साल पुराना मंदिर है। और इसके यहाँ पर कौन कौन से देव स्थापित है? गणेश जी और केदारेश्वर है, बाहर तो भैरव जी और कुबेर देवता की है, अंदर है शंकर जी और पार्वती जी का जोड़ा है जी। जी पंडित जी, धन्यवाद पंडित जी आपका, और कोटि कोटि प्रणाम आपको भी और माता जी को भी और गणेश जी को भी। धन्यवाद। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी पूर्ण रूप से सरकार द्वारा की गई है। ये माता पार्वती जी का मंदिर 1100 साल पुराना, अद्भुत अपने आप में। अब हम बोट की सैर कर रहे हैं, भाई चला रहे हैं बोट को। क्या नाम है भाई आपका? मनीष भाई जो है, हमें अब इसमें लगभग 20 मिनट की सैर कराएंगे। वैसे तो मुझे बहुत डर लगता पानी से, लेकिन मनीष भाई के दम पे मैं भी चल रहा हूँ। और धीरे धीरे मनीष भाई आगे बढ़ते हुए, और ये सुंदर नज़ारा बैजनाथ का अद्भुत अद्वितीय। लगभग दिन के 2 बज रहे हैं। तो मनीष भाई, इसकी गहराई कितनी होगी लगभग? कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे 10-15 है, कहीं पे 20-25 है। अच्छा, 20-25 फीट या मीटर? फीट। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मछलियाँ एक ही प्रकार की या तरह तरह की है? मछलियाँ तो एक ही है, नाम अलग अलग है। अच्छा, सबसे बड़ी मछली लगभग कितनी बड़ी होगी? जी जी जी, कब? 2013-14 में अब है, मतलब छोटी छोटी है।
अच्छा, मतलब 8-10 केजी तक की। वाह, अद्भुत नजारा। आप कब से हैं मनीष भाई यहाँ? अच्छा, मतलब आपकी सरकारी नौकरी है या कमीशन बेस पे? ठीक हो गया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिलकर मनीष भाई। और आपने हम जो झील के बीचों बीच, ये देखिए गहराई मनीष भाई के अनुसार 25-30 फीट। मनीष भाई मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, इस झील में कोई कभी दुर्घटना वगैरह हुई क्या? ऐसा कुछ नहीं, डरने की कोई बात तो नहीं है ना? हाँ, मतलब सुरक्षित है हम लोग। मैं तो पहली बार इतनी गहराई के ऊपर से चल रहा हूँ। नहीं, आप तैरना भी जानते होंगे? अच्छा, बहुत बढ़िया। इसलिए सभी दर्शकों का मेरा सुझाव और वो है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, अब आइए बैठिए और देवभूमि के इस सुंदर नजारे का आनंद लीजिए। मेरा मकसद था शूट करने, बाकी कुछ नहीं। तो पर्यटक लोग तो बहुत आते होंगे यहाँ, यात्री लोग? मतलब दिन में कितनी बार चला लेते हो इसको? मतलब लगभग इसमें कभी ऐसी भीड़ भी होती है कि नंबर ही नहीं आए? ऐसा भी है? कब? जब मेला वगैरह होता है सीजन के टाइम पे है? विदेशी लोग भी आते होंगे? अच्छा, लगभग 100 मीटर पे मंदिर, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माँ पार्वती जी, 1100 साल पुराना मंदिर। नहीं, हम गए थे। हाँ, बहुत मात्रा है।